गुड इवनिंग स्टूडेंट्स अर्पिता आनंद रौशन कुमार दीप रविंद्र कुमार धरमिंदर कुमार संदीप डीसीसी हाई स्कूल निमियाडी सुमन कुमार शुभम कुमारी नेहा कुमारी शुभम कुमारी आदर्श कुमार रवि रवि कुशवाहा जानकी कुमारी एंड श्वेता कुमारी सभी को आपका हम स्वागत करते हैं दिल से हम स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस पर सो <clears throat> सक्षम कुमार गुड इवनिंग चलिए धीरे धीरे जो है बच्चे लोग जुड़ रहे हैं तो हम अभी दस बच्चे जो है जुड़ चुके हैं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ऋतिक कुमार गुड इवनिंग चलिए चंदन रॉय हाय सोनी पॉल गुड इवनिंग तो अभी हमारे पास बारह बच्चे जुड़ चुके हैं धीरे धीरे हम थोड़ा सा दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्टार्ट किया था तो लास्ट क्लास में वीडियो जो है लाइव स्ट्रीम जो है आधा पर ही रुक गया था क्योंकि नेट ख़त्म हो जाने की वजह से हम जो है आधा पर ही डिसकनेक्ट हो चुके थे तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से जो है हम शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो है कमेंट कर रहे थे सर क्या हो गया लाइव स्ट्रीमिंग का नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या तो इसलिए आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पर हमने छोड़ा था और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का हम कुछ और प्रॉब्लम जो है करेंगे तो शुभन शुभम रॉय ठीक है चलिए तो सबसे पहले जो है आ, हम आ, कुछ और बच्चे लोग जो है सुधाकर कुमार जुड़ चुके हैं जुड़ चुके हैं ठीक है तो लास्ट क्लास में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जिस तरह से हमने बेसिक फार्मूला बताया था लैपलास क्या होता है व्हाट इज़ द डिफिनीन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाई वी नीड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स लास्ट क्लास में हमने जो है लैपलास क्या होता है और हमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था एंड ऑल्सो वी डिस्कस द फार्मूलास विच इज़ यूज इन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन द बेसिक फार्मूला विच यूज इन बेस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में फार्मूलाज को भी देखा था एंड उसको हम लोग प्रूफ भी किए थे तो जिस तरह से हमने जो है नौ फार्मूला बताया था तो जिसमें से जो है हमने सात फार्मूला को प्रूफ कर चुके थे और हम ब्यूटी वाला आ गई है आर के एन स्टेटस जॉन चार जनवरी से सच में खुल रहे हैं कॉलेज ज्योति कुमारी गुड इवनिंग विद्या दिव्या भारती गुड इवनिंग एंड सौरभ कुमार ठीक है आदर्श कुमार जीपी दरभंगा से जुड़ चुके हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो आज जो है जिस तरह से हम जान रहे हैं कि आज आपका डेट हो गया 24 दिसंबर 2020 ठीक है आज कितना डेट हो गया चौबीस दिसंबर दो हज़ार बीस और आज जो है फिर से जो है एस ने एक लेटर जारी किया है उस लेटर को जो है हम पढ़कर उसके बाद जो है हम क्लास में जाएंगे क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि नोटिफिकेशन हम आपको जरूर देंगे ठीक है तो अब ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे ठीक है आई लव यू भेज रहे हैं आदर्श कुमार एंड मनीषा राज गुड इवनिंग हाउ आर यू आई एम फाइन ठीक है वाट अबाउट यू ठीक है तो जिस तरह से आज चौबीस दिसंबर हो गया है और आज जो है एस ने एक लेटर जारी किया है और वो लेटर जो है बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए है ठीक है लिसन केयरफुली माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपका बैकलॉग पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में तो आपके लिए आज एस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आप जो है एग्जामिनेशन का फॉर्म को भरेंगे कॉलेज में जाकर जो कि लास्ट डेट है तीन जनवरी 2021 तक ठीक है राकीब खान आ गए हैं ठीक है थैंक्स फॉर योर एफर्ट एंड थैंक्स फॉर कंप्लीमेंट आप जो है कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकीब खान ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि तीन जनवरी तक ध्यान से सुनिएगा माई डियर स्टूडेंट्स तीन जनवरी तक आप अपने कॉलेज में जाकर जो बच्चे ध्यान सुनेगा जो बच्चे बैकलॉग हैं ठीक है करेंट सेमेस्टर के लिए नहीं हम बोल रहे हैं जिन बच्चों का बैकलॉग है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में उनका एग्जाम जिस तरह से हमने बोला था कि जनवरी 2021 में होगा उनका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट अर्थात एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 3 जनवरी 2021 तक है विदाउट एनी फाइन तो तीन जनवरी के बाद अगर आप फाइन अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको फाइन लिया जाएगा प्रतिदिन सौ रुपया के हिसाब से ठीक है उसके बाद आपको जो है हम बता दें कि अगर आप एस टी और अगर आप किसी और कैटेगरी यानी कि आप जो है अगर विकलांग कैटेगरी से होंगे तो आपका फीस जो साढ़े सात सौ रुपया है अगर आप जनरल कोटा से हैं तो आपका फीस जो है एक हजार रुपया लगेगा फॉर्म का ठीक है अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर कमेंट करेंगे तो हम आगे जो है क्लास में चलेंगे ठीक है चलिए आगे क्लास को हम शुरुआत करते हैं जिस तरह से हमने जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन दे दिया है अब हम आगे का क्लास को शुरुआत करते हैं तो जिस तरह से हमने जो है लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था हम जो है आठवां नंबर क्वेश्चन जो है प्रूफ कर रहे थे लैपलास ऑफ साइन एच ए टी ठीक है साइन एच ए टी जिसका फॉर्मूला हमने बताया था ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब जो है हम इसको जो है प्रूफ करेंगे ठीक है कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स अगर किसी को डाउट होगा तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं नहीं तो हम जो है आगे का जो है हम शुरुआत करेंगे इसको प्रूफ करेंगे ठीक है अगर किसी को डाउट है ठीक है गौरव राज जुड़ चुके हैं एंड वनवीर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें हमेशा जो है अपडेट देते रहते हैं ठीक है बहुत सारा नोटिफिकेशन हमें वनवीर जो है भेजते रहते हैं आपको जो है दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं ठीक है वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है सर ठीक है ऑनलाइन अप्लाई एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं सर जी ठीक है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए हम ज़्यादातर आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कॉलेज जो है दूर नहीं है तो आप नज़दीक में कॉलेज है तो कॉलेज जाइए अगर दूर है तो आप कॉलेज में जो है फ़ोन करके जरूर जो है कंसल्ट कर लीजिएगा सभी कॉलेज के लिए ठीक है जी पी शेखपुरा से जो है बनवीर कुमार हैं एंड रौनक रमक सर टाइम कम है प्रूफ नहीं करें ठीक है थोड़ा सा जो है प्रूफ कर लेते हैं ठीक है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ देगा यही क्वेश्चन अगर बोलेगा कि इसको प्रूफ कीजिए तो क्या कीजिएगा ठीक है थोड़ा सा जो है हम चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे ठीक है प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग ठीक है कृष्णा कुमार ठीक है धीरे धीरे हम चलेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं हम सिलेबस पूरा करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि साइन एच थीटा का फार्मूला होता है ई e का पावर थीटा माइनस ई का पावर ठीक है माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टू ये जो है एच थीटा का फार्मूला होता है ई e का पावर थीटा ठीक है वेलकम वेलकम रोशनी कुमारी सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या ठीक है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा जो है हम नेटवर्क चेक कर लेते हैं आप जो है आवाज़ को थोड़ा सा सुनिएगा कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है घर से लेने में इसलिए जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है धीरे धीरे होगा ठीक है आप जो है कहाँ से हैं तो हम औरंगाबाद से हैं बार बार बोलते हैं ठीक है ठीक है स्नेहा कुमारी गुड इवनिंग ठीक है देखिए तो ये जो है फॉर्मूला है साइन एच थीटा इक्वल टू ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थी, सॉरी थीटा डिवाइडेड बाई टू तो उसी तरह से अगर हम पूछें कि लेप्लास ऑफ साइन एच ए टी साइन एच ए टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं तो देखिए एच थीटा यानी कि यहां पर एच थीटा तो थीटा के जगह पर क्या है तो एच यहाँ पर है थीटा के जगह पर ए टी है यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए का पावर माइनस ए टी डिडेड बाई टू डि कोई डाउट है नहीं ना ठीक है मैं भी ये बोल रहा था ठीक है वीडियो क्लियर है वीडियो थोड़ा सा क्लियर होगा ठीक है साउंड क्लियर है ना आप साउंड साउंड से जो है थोड़ा सा समझिएगा वीडियो जब अपलोड होगा उस समय क्लियर के, के, हो जाएगा नेटवर्क का इशू है ठीक है कभी कभी घर में भी नेटवर्क नहीं आता है तो इसी को जो है अब हम अलग कर देंगे वन बाई टू को अलग कर देंगे यानी कि आपका हो जाएगा वन बाई टू को अलग कीजिएगा तो लैपलास ऑफ ई का पावर ए टी ठीक है माइनस ठीक है लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस ए टी ठीक है उसके बाद ये हो जाएगा तो वन बाई टू ठीक है जल्दी से कीजिएगा गौरव कुमार पूरा क्लियर है ठीक है संध्या

इसी तरह से यहाँ पर माइनस है तुम्हारा यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए वन डिवाइड बाई एस प्लस ए हो जाएगा वन डिवाइड बाई एस प्लस ए हो जाएगा अब इसको आगे का सॉल्व करेंगे तो यानी कि वन बाई टू ठीक है वन बाई टू यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर ठीक है एस स्क्वायर ऊपर में क्या हो जाएगा एस प्लस ए एस उसके, था है था है तो उसके बाद माइनस है तो माइनस उसके बाद माइनस s ठीक है प्लस में a हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा कोई डॉट है देखिए s प्लस ए ठीक है यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद माइनस s उसके बाद प्लस एस हो जाएगा यानी कि s s कट गया तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई टू और ये टू ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है यहाँ से टू टू कैंसल यानी कि a डिवाइड बाई ठीक है सभी को साथ लेकर चलना है कुछ बच्चे जो है बोल रहे हैं कि सर आसान है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर जो है माइनस आ गया तो यही जो है प्रूफ हो गया ठीक है आप जो है स्क्रीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन ले लीजिएगा ठीक है धर्मेंद्र कुमार सर स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करना है ठीक है और चंदन राय सर आप बहुत ही बढ़िया से पढ़ाते हैं आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत ही बढ़िया है सर जब मैं आपका क्लास करता हूं तो प्रसन्न होता हूं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद चंदन राय ठीक है ठीक है बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं फैक्ट विजन जो है गुड इवनिंग ठीक है चलिए विकास कुमार गुड इवनिंग तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी जिसको डॉट नहीं है आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि सर डॉट नहीं है अगर डॉट है तो आप हमें पूछिएगा नहीं तो हम इसको इरेज करेंगे ठीक है डॉट है तो हमें पूछिएगा इसको इरेज करेंगे कोई डॉट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा अर्पिता कुमारी ठीक है आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि, किसको किसको समझ में नहीं आया जल्दी से कमेंट कीजिएगा हम इसको प्रूफ किए हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा ज्योतिराज सी एस सी गुड इवनिंग बहुत ही आसान है ठीक है बहुत आसान है समझने का खेल है ठीक है संध्या कुमारी नो डॉट सोनी पॉल नो डॉट ठीक है अगर डॉट नहीं है तो जल्दी से जो है अभी हम इसको इरेज करते हैं और आपको जो है हम क्वेश्चन देते हैं ठीक है अगर डॉट नहीं है तो हम जल्दी से इसको इरेज करेंगे ठीक है और जो है हम इसको चेंज करेंगे ठीक है देखिए अभी आप हम विश्वास करते हैं कि आप जो है बगल में कॉपी ऊपी लेकर बैठे होंगे नोट उठ लेके बैठे होंगे क्योंकि मैथ का क्लास है बिना नोट और पेन के अगर आप बैठिएगा तो साथ में अगर नहीं लिखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है इसलिए हम बिलीव करते हैं कि आपके पास नोट्स होगा इसलिए हम अभी एक सवाल देते हैं आप इसको जल्दी से जो है बनाइएगा ठीक है जल्दी से इसको बनाइएगा ठीक है यहां पर जो है लेप्लास ऑफ कॉस एच ए टी ठीक है जिसका फार्मूला होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है चलिए रितु नो डॉट ठीक है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब कॉस एच कॉस एच थीटा का फार्मूला होता है ई e का पावर थीटा माइनस ठीक है सॉरी प्लस हो जाएगा ई e का पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टू फार्मूला क्या होता है ई e का पावर थीटा प्लस में हो जाएगा उसमें माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा ई e का पावर माइनस डिडेड बाई टू अब इसको जल्दी से प्रूफ करके हमें जो है कमेंट कीजिए कि सर मेरा आंसर आ गया ठीक है अभी हम आपको दो मिनट टाइम देते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए इसको श्वेता कुमारी नो डॉट नेहा कुमारी नो डॉट ठीक है चलिए जल्दी से इसको सभी सब्जेक्ट का अभी धीरे धीरे जो है चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करने दीजिए ठीक है तो हम भी कोशिश करेंगे कि अभी तो थोड़ा सा घर में हम नेटवर्क को भी नहीं इंस्टॉल कर पाए मोबाइल के डेटा ही करते हैं ख़त्म हो जाता है तो बंद हो जाता है इसलिए धीरे धीरे हम भी प्रोग्रेस करेंगे जैसे जैसे बच्चा जो है बढ़ेगा ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं इसको जल्दी से प्रूफ कीजिए दो मिनट का हम आपको टाइम देते हैं जल्दी से इसको प्रूफ करके हमें बताइए ठीक है जल्दी से हमें प्रूफ करके बताइए चौबीस बच्चे जो है लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से प्रूफ कीजिएगा इसको चलिए सोनी का प्रूफ हो गया अर्पित आनंद नो डाउट सर ठीक है चंदन कुमार प्रूफ हो गया और कोई बच्चे लोग ठीक है थोड़ा सा और समय लीजिए इसको जल्दी से प्रूफ कीजिए क्योंकि यही सारा जो है बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि सर आसान आसान बता रहे हैं क्वेश्चन जो है एग्जाम में आसान आता है आप जो है भारी के चक्कर में रहते हैं आसान छोड़ देते हैं आसानी पूछ देता है इसलिए पहले जो है बेस मजबूत होना चाहिए इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे लेके चलते हैं सबको हम लेकर चलेंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं इसको बहुत सारे बच्चे लोग सोच रहे हैं एकदम आसान है अभी आपको जब पढ़ा रहे हैं तो आसान है एग्जाम में यही चीज वह पूछ देगा तो उस समय आपको भारी लगने लगेगा ठीक है हम आपको क्लियर बता दे रहे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है तभी आसान लग रहा है एग्जाम में यही चीज आप पूछता है तो लाइकन को भारी लगने लगता है ठीक है चलिए संध्या कुमारी का बन गया ठीक है वीडियो प्ले में ऐड कर दीजिएगा ठीक है डेटा इंड हो गया तो है मेरे ठीक है बहुत अच्छा डेटा इंड हो गया कोई बात नहीं हम ऐड कर देंगे इसको हर एक वीडियो को हम अपलोड करते हैं श्वेता कुमारी का हो गया और दिव्या भारती का भी हो गया ठीक है जानकी का भी हो गया और फैक्ट विजन बोल रहे हैं कि सर आप बनाइए हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे ठीक है आप लोग को हम मौका दे रहे हैं आपको जो है क्लास वाला फीलिंग होना चाहिए जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं समझ लीजिए तो हम आपको क्लास रूम में पढ़ा रहे हैं आपको बनाना है आपको लिखना है ठीक है आप जो है मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं समझिए तो आपके सामने खड़े हैं आपको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं ठीक है दम महसूस कीजिए एकदम आपको समझ में आएगा ठीक है नेहा कुमारी का हो गया ए एम के एस दुनिया का सर होल सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे ठीक है प्रियंका कुमारी का गुड इवनिंग ठीक है जल्दी जल्दी से हमें बताइए कि कौन कौन बच्चे जो है कमे जो है बना लिए हैं जो जो बना लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चार जनवरी से फीलिंग सबको आने लगेगा अभी भी फीलिंग आने लगेगा ठीक है चार जनवरी से सबको फीलिंग होगा ठीक है अभी धीरे धीरे महसूस होगा ठीक है एनी कुमारी बहुत अच्छा ठीक है बनाइए कौन कौन बना लिए हैं जल्दी से अभी जो है चार पांच छह बच्चे जो है बना लिए हैं और कुछ बच्चे का हम इंतजार कर रहे हैं ताकि आप बनाइएगा ठीक है सर प्लीज मेक वीडियो ऑन हायर ऑर्डर डिफ्रेंशियल इक्वेशन चलिए हम बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं जनवरी में आपका एग्जाम है लेप्लास को खत्म करके इसको हम शुरू करेंगे ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है चलिए एन का भी बन गया चलिए बहुत अच्छा तो देखिए इसको क्या करना था यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा लेप्लास ऑफ कॉस एच ए टी ठीक है इक्वल टू एच यानी कि लेप्लास इ थीटा तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा तो यानी कि एच ठीक है एच है तो एच हो गया और थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर क्या है ए टी है तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर ए टी प्लस ठीक है ई का पावर माइनस ए टी ठीक है डिवाइडेड बाई टू ठीक है यहाँ से वन बाई टू जो है कॉमन हो जाएगा तो लेप्लास हो जाएगा ठीक है वन बाई टू कॉमन हो गया लेप्लास ई का पावर ए टी ठीक है प्लस लेप्लास ई का पावर माइनस ए टी ठीक है ब्रैकेट बंद हो जाएगा चलिए तो यहां से जो देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो है नहीं बना पाए हैं तो वन बाई टू हो गया ई का पावर ए टी पॉजिटिव है इसलिए यहां पर नेगेटिव हो जाएगा यानी कि वन वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए उसके बाद प्लस यहां पर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा एस प्लस हो जाएगा ठीक है 1 S plus A हो जाएगा कोई है नहीं ना अजय कुमार मेरा भी बन गया सर बहुत बहुत धन्यवाद अजय का भी बन गया चलिए से जो है आपका क्या हो जाएगा कॉमन लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है उसके बाद जो है ये यहां पर आएगा तो एस प्लस ए उसके बाद प्लस है तो प्लस एस माइनस ए ठीक है तो यहाँ से माइनस प्लस कर जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू एस ठीक है टू एस डिड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से टू टू कैंसल इक्वल टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही तो हमें प्रूफ करना था यही जो प्रूफ हो गया इस तरह से हमने नौ फार्मूला बताया नौ फॉर्मूला को हमने प्रूफ भी किया है कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन दे देगा तो क्या करिएगा इसको कैसे बनाइएगा तो हम जो है आपको बता दिए हैं दम इजी मेथड बताए हैं ठीक है, है? ये फार्मूला जो है बहुत ईजी है आप जो है बहुत सारा अगर इंटीग्रेशन मेथड के लेकर जाइएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा बोर्ड भर जाएगा बनेगा नहीं जल्दी ठीक है इसलिए हम आपको ईजी मेथड बता रहे हैं इसीलिए हम सारा क्वेश्चन को कराए हैं ठीक है चलिए अगर नहीं डॉट है तो इसको जल्दी से स्क्रीन लीजिए उसके बाद हम क्वेश्चन डालेंगे और आपको जो है बताएंगे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है यहाँ से तो हम देख रहे हैं तो ठीक दिख रहा है यहाँ पर तो मेरे मोबाइल में तो ठीक दिख रहा है जिससे हम लाइव चेक कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा जो है लाइव को हम चेक करते रहते हैं तो यहाँ पर तो दिख रहा आ जाए आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा देख लीजिएगा ठीक है चलिए इसको हम इरेज करते हैं चलिए क्वेश्चन लेंगे पहले दम आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे दम शुरू शुरू दम लॉलीपॉप लेंगे उसके बाद जो है धीरे धीरे, धीरे दम जाएंगे ठीक है पहला क्वेश्चन डालिएगा ठीक है दम आसान क्वेश्चन लेंगे धीरे धीरे हम चाहते हैं कि धीरे धीरे, धीरे चलेंगे ठीक है ज्यादा हड़बड़ाने की बर, बात नहीं है ठीक है दम धीरे धीरे, धीरे चलेंगे पहला क्वेश्चन डालिएगा फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ठीक है लैपलास फाइंड करना है टू इंटू ई e का पावर थ्री टी टू इंटू ई का पावर थ्री टी माइनस ई का पावर माइनस थ्री टी ठीक है टू इंटू e का पावर थ्री टी माइनस ई का पावर माइनस थ्री टी जल्दी से इसको जो है बनाइएगा ठीक है जल्दी से इसको बनाइएगा पहला क्वेश्चन दम आसान लिए हैं जल्दी से इसको बनाइए कौन कौन बच्चे बना रहे हैं ठीक है इसको जो है लैपलास जो है हमें निकालना है आप इसको चाहें तो लैपलास यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है लैपलास हमें फाइंड करना है हम आपको फिर से दो मिनट टाइम देते हैं आप इस क्वेश्चन को बनाइए नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे ठीक है चलिए गौरव राज का हो गया रौनक रमन का भी हो गया ठीक है चलिए आदर्श कुमार जल्दी से बनाइए और टाइम दे रहे हैं हबड़ाने की जरूरत नहीं है ठीक है हबड़ाने की जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी बनाइए आप दम कॉपी किताब लेके बैठिएगा दम कॉपी और पेन लेके बैठिए और जल्दी जल्दी इसको बनाइएगा ठीक है ज्योति कुमारी बन गया बहुत अच्छा चलिए स्टेटस जोन उनका भी बन गया आदर्श का भी बन गया और और बच्चे लोग चलिए 25 बच्चे हैं जिसमें से छे, छे बच्चे बना चुके हैं और थोड़ा सा हम देते हैं वक्त जल्दी जल्दी आप बनाइएगा ठीक है मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दम आसान क्वेश्चन डाले हैं दम आसान क्वेश्चन है चिंता करने की जरूरत नहीं है कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देता है इसलिए हम ये सब क्वेश्चन डाल रहे हैं ठीक है इसलिए चिंता करने क... की जरूरत नहीं है एनी कुमारी का भी बन गया रवि कुशवाहा का बन गया चलिए पुष्कर झा सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब से स्टार्ट होगा जब लैपलास खत्म होगा तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा ठीक है चलिए पुष्कर झा सिविल के लिए जी जी सोनी पाल का भी बन गया चलिए और कोई बच्चे लोग और कोई बच्चे लोग चलिए श्वेता कुमारी बन गया देखिए इसको क्या करना है हम अभी सोल्यूशन बताते हैं ठीक है इसको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने आपको बताया था इसको अलग अलग लैपलास कीजिए यानी कि टू को बाहर करेंगे ई का पावर थ्री टी थी, ठीक है उसके बाद माइनस इस लैपलास को भी अलग करते हैं ई का पावर माइनस थ्री टी थी, ठीक है यानी कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा e का पावर ए टी तो ए टी के जगह पर ए के जगह पर क्या है तो थ्री है ठीक है e का पावर ए टी जैसे कि लैपलास ऑफ e का पावर ए टी का फार्मूला क्या होता है तो वन डिवाइडेड बाय s माइनस ए ये फार्मूला होता है ठीक है ये फार्मूला हो गया लैपलास ऑफ e का पावर ए टी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय s माइनस ए उसी तरह से लैपलास ऑफ e का पावर ए टी का फार्मूला क्या होता है तो वन डिवाइडेड बाय s प्लस ठीक है s प्लस पर ए क्या हो सकता है हमने बताया था ये जो है जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या है थ्री है यानी कि श्वेता कुमारी का बन गया ना चलिए यहाँ यानी कि टू हो गया यहाँ से टू बाहर रहेगा वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए यानी कि एस हो गया और ए के जगह पर क्या है तो थ्री है तो एस माइनस थ्री हो गया उसके बाद माइनस है तो माइनस उसके बाद वन डिवाइडेड प्लस ए यानी कि एस प्लस थ्री हो गया ठीक है यानी कि यहाँ से क्या आपका हो जाएगा तो टू इन टू यहाँ हम एल्सियम ले लेते हैं ठीक है यहाँ हम एल्सियम ले, ले लेंगे तो क्या होया यानी कि एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है एस स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद जो है एस प्लस थ्री यहाँ आएगा यानी कि टू एस प्लस थ्री यानी कि टू एस प्लस सिक्स हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना तो टू एक्स प्लस सिक्स उसके बाद माइनस एक्स ठीक है माइनस एस S, ये S है ठीक है ध्यान दीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा टू एस में से एक एस जाएगा तो एस हो जाएगा एस प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस नाइन यही जो है आपका आंसर आ जाएगा किसका किसका ये आंसर आया था ठीक है किसका किसका आंसर आया था जल्दी से हमें बोलिएगा कि आंसर किसका किसका सही आया है अगर सही आया है तो बोल दीजिएगा सर मेरा यही आंसर आया था ठीक है ये आंसर आया था कि नहीं आया था इसके अलावा कोई भी आंसर आया होगा तो गलत होगा ठीक है इसके अलावा कोई भी आंसर होगा तो गलत होगा चलिए एनी का सही है गौरव राज का भी यही आंसर आया था ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है मेरा भी आर के स्टेटस जोन का भी यही आया था चलिए यही जो है आंसर होगा एस प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस नाइन जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा चलिए नेहा कुमारी का भी सही है बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन डालते हैं अब थोड़ा धीरे से जो है हम इसको थोड़ा सा टफ करते हैं ठीक है अब जो है हम थोड़ा सा धीरे धीरे टफ करेंगे ठीक है एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कराते हैं इसमें सारा जो है आपको मिल जाएगा ठीक है इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जितना फार्मूला बताए हैं सबका कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन कराएंगे लेकिन वो क्वेश्चन जो है दमदार रहेगा ठीक है ज्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं आपको कमे पढ़ाएंगे लेकिन आपको जो है समझ में ज़्यादा आएगा ठीक है कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा समझिए ठीक है ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन डालिएगा ठीक है फाइंड द लैपलास ऑफ ठीक है क्वेश्चन क्या है सेवन इंटू ई का पावर टू टी ठीक है प्लस नाइन इंटू ई का पावर माइनस टू टी नाइन ई का पावर माइनस टू टी प्लस फाइव कॉस टी फाइव कॉस टी प्लस सेवन टी क्यू ठीक है प्लस फाइव साइन थ्री टी फाइव साइन थ्री टी प्लस टू क्वेश्चन क्या है मिला लेते हैं लैपलास हमें निकालना है सेवन इंटू ई का पावर टू टी प्लस नाइन इंटू का पावर टू टी यानी कि माइनस में है फाइव प्लस कॉस टी प्लस सेवन टी का पावर थ्री प्लस फाइव साइन थ्री टी प्लस टू इसको जो है हम फिर से आपको टाइम देते हैं जल्दी से आप इसको बनाइए ठीक है हम जो है बार बार आपको टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप खुद से बनाइए आप जो है सोच लीजिए कि हम क्लास रूम में हैं आपको पढ़ा रहे हैं आप इसको बनाइए जल्दी से बनाइए सारा फार्मूला हम बताए हैं जल्दी से आप इसको बनाइएगा कपिल देव गुड इवनिंग गौरव राज हो गया चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी से बन रहा हैं रौनक रमन क्या आप लोग बना रहे हैं किसी तरह से बोल रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा इसको आप बनाइए हम दो मिनट का टाइम देते हैं आपको चलिए सच में बनाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या भारती सही है जल्दी से बनाइए ठीक है जल्दी से बनाइए हम आपको क्वेश्चन दिए हैं दो मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं सात इकतीस हो रहा है सात तैंतीस में हम इसको स्टार्ट करेंगे ठीक है आनंद गुड इवनिंग जल्दी से इसको बनाइए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन दब आसान डाले हैं ठीक है जल्दी से बनाइए डियर स्टूडेंट्स अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बनेगा आप हमको बना दीजिए ठीक है हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे एनी कुमारी बन गया चलिए बहुत अच्छा है एनी का भी बन गया और और चलिए देखिए दिखे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर e का पावर ए टी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर e का पावर माइनस ए टी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर cos ए टी का फार्मूला लगेगा ठीक है cos ए टी जहाँ पर a इक्वल टू क्या है वन है यहाँ पर t का पावर n का फार्मूला लगेगा और यहाँ पर साइन ए टी का लगेगा और वहां पर जो है कॉन्स्टेंट का फार्मूला लगेगा ठीक है कोई डॉट है तो बोलिएगा कोई डॉट है तो हमें बोलिएगा नहीं तो हम इसको जो है जल्दी से बनाएंगे ठीक है बहुत सारे बच्चे लोग जो है बना नहीं पा रहे हैं तो हम इसको बनाएंगे ठीक है थोड़ा सा जो है आपको जो है दस सेकेंड और देख लेते हैं कुछ बच्चे जो है बना लिए होंगे तो कमेंट कर रहे होंगे इसलिए जो है टाइपिंग के लिए हम दस सेकेंड दे रहे हैं आपको जल्दी से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अलग करेंगे यानी कि सेवन को तो पहले अलग करेंगे इनटू लेप्लास ऑफ ई का पावर टू टी ठीक है प्लस नाइन को भी अलग कर देते हैं इनटू लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस टू टी ठीक है प्लस फाइव को भी अलग कर देते हैं कॉस यानी कि लेप्लास ऑफ फाइव इंटू लेप्लास ऑफ कॉस टी ठीक है प्लस सेवन को भी अलग कर देते हैं इनटू टू लेप्लास ऑफ टी का पावर थ्री ठीक है प्लस यहाँ पर लिखते हैं प्लस फाइव इनटू टू लेप्लास ऑफ साइन थ्री टी प्लस लैपलास ऑफ टू ठीक है कोई डाउट है ठीक है आर के स्टेटस जोन का भी बन गया तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया अलग किया यानी कि सेवन को मल्टीप्लाई किया ई का पावर टू टी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा यानी कि लेप्लास ऑफ ई का पावर 2t हो गया प्लस 9 into laplace of e का पावर minus 2t प्लस 5 into laplace of cost t प्लस seven को अलग किया ठीक है बाहर रखें laplace ऑफ t का पावर three हो गया उसके बाद five into ऑफ of sin 3t प्लस laplace ऑफ two हो गया देखिए तो यहाँ से क्या होगा seven तो यहाँ पर हम बराबर लिखते हैं seven तो इसी तरह से रहेगा into e का पावर at का फॉर्मूला क्या होता है तो one divide by s यहाँ पर प्लस में है पावर क्या है पॉजिटिव है ध्यान दीजिएगा पावर क्या है पॉजिटिव है इसलिए s a होगा यानी कि s a तो a t तो a के जगह पर क्या है a के जगह पर क्या है दो है ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन बना दिए यानी कि सारा कॉन्सेप्ट इसमें इस क्लियर हो जाएगा ठीक है इसलिए हम एक ही क्वेश्चन लाए हैं लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं ठीक है ध्यान से सुनिएगा ठीक है ऋतु का भी बन गया थोड़ा सा नेटवर्क देख लेते हैं चलिए दिव्या भारती का भी बन गया ऋतु का भी बन गया तो यहां पर एक जगह पर क्या है दो है यानी कि एस माइनस टू हो जाएगा एस माइनस टू हो जाएगा उसके बाद प्लस है तो प्लस नाइन इंटू नाइन इंटू वन डिवाइडेड बाई का पावर माइनस ए टी यानी कि माइनस रहेगा पावर माइनस रहेगा तो सबसे पहले प्लस होगा यानी कि एस प्लस हो गया एस प्लस हो गया उसके बाद ए के जगह पर क्या है तो टू था तो टू लिख देंगे एस प्लस टू लिख देंगे कोई डॉट है नहीं उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए फाइव इन टू कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए टी का ठीक है बिकु कुमार का भी बन गया कॉस ए टी का क्या होता है नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जी नेटवर्क तो सही है ठीक है थोड़ा सा इस मोबाइल में नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं जी चलिए नेटवर्क थोड़ा सा देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स चलिए नेटवर्क ठीक है चलिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं कभी-कभी अपने से जाकर चेक भी करना पड़ता है क्योंकि कई एक बार क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं वहां से नेट जो है खत्म हो गया इसलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ता है इसलिए माफी चाहते हैं तो यहां पर 5 cos 80 का फार्मूला तो cos में क्या होता है cos में जो है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए के जगह पर क्या है वन का स्क्वायर यानी कि वन होगा उसके बाद प्लस सेवन है तो सेवन इन टी का पावर एन टी का पावर एन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था ठीक है टी का पावर एन का फॉर्मूला बताया था फैक्टोरियल एन यानी कि फैक्टोरियल थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय एस का पावर एन प्लस यानी कि थ्री प्लस ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है एनी कुमारी दो है सर ठीक है यानी कि ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले सेवन ई e का पावर एटी ए कितना है दो तो एस माइनस ए हो गया क्योंकि पॉजिटिव था तो माइनस होगा नाइन ई का पावर माइनस है तो प्लस फार्मूला में आएगा तो एस प्लस टू होगा क्योंकि ए के जगह पर टू है उसके बाद फाइव तो फाइव लिखे Cos 80, तो एक पर है, एक पर क्या है यानी कि एस डिड बाई एस प्लस तो सेवन टी का पावर एन तो फैक्टोरियल एन यानी थ्री डिवाइडेड बाई एस का पावर एन प्लस वन यानी कि थ्री प्लस वन उसके बाद प्लस है तो प्लस की है फाइव इन टू साइन का क्या होता है तो साइन में जो है एन सबसे पहले जो है ऊपर में आता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए के जगह पर क्या है थ्री है तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जो है थ्री का स्क्वायर यहाँ पर जो है 1 का स्क्वायर वन होगा इसीलिए हमने वन लिखा है ठीक है उसके बाद जो है प्लस टू का क्या हो जाएगा तो हमने क्या बताया था सबसे पहले जो है ध्यान दीजिएगा हम जो है बताए थे कि वन का ला क्या होता है वन बाई एस इसलिए टू का ला हो जाएगा टू बाई एस ठीक है बाई एस किसी को डॉट है जल्दी से हमें कमेंट कीजिएगा नहीं है है अब इसको जो है कुछ नहीं करना है यानी कि एस स्क्वायर प्लस वन प्लस यहाँ पर जो है थ्री फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ तीन गुने दो यानी कि तीन दुनी छः और छः सते बयालीस यानी कि बयालीस डिवाइडेड बाई एस का पावर फोर बयालीस डिवाइडेड बाई एस का पावर फोर प्लस यहाँ पर फाइव है यानि कि फाइव फाइव ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस टू डिवाइडेड बाई एस ठीक है टू बी डी बाई एस अब चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं ये दोनों में नहीं तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा सर फाइव एस होगा ना फाइव एस कहाँ पर बोल रहे हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा आपका आंसर क्या है ध्यान से हम जो है बोर्ड को आपको छोड़ रहे हैं ताकि आप लिख लीजिएगा सेवन डिवाइडेड बाई एस माइनस टू नाइन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू फाइव एस होगा ठीक है सॉरी फाइव एस यहाँ पर जो है ये वाला A's जो है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आर के एस स्टेटस जोन ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आया ये जो है मल्टीप्लाई किए तो सेवन डिवाइडेड बाई एस माइनस टू प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू 5S है, है? यहां 5 है और ये एस है यहाँ फाइव इंटू एस की है तो फाइव एस एस स्क्त से फैक्टोरियल छह यानी कि सात छः बयालीस डिवाइड बाई एस का पावर फोर हो जाएगा क्योंकि थ्री प्लस वन फोर हो गया उसके बाद फाइव इंटू ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइड प्लस टू डिवाइड बाई एस ठीक है ये एस है आपका फाइव नहीं है इसको आप ध्यान से देखिएगा कन्फ्यूज नहीं होगा तो यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा किसी को डाउट है नहीं ना मजा आया कि नहीं आया ठीक है योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑन सम ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं ये जो है एक ही क्वेश्चन में हम सारा कॉन्सेप्टे को क्लियर कर दिए ठीक है, है दम उड़ा दिए दम तोप से उड़ा दिए एक ही क्वेश्चन में ठीक है ए क्वेश्चन लाए हैं पूरा जो है कॉन्सेप्ट को जो है हम क्लियर कर दिए हैं आप जो है स्क्रीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन ले लीजिए हम हट जा रहे हैं अब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा ठीक है इरेज करते हैं चलिए इस तरह से जो है हम आपको क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन देते हैं आप जो है घर से बना के लाइएगा ठीक है और सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका जो है फॉर्म जो है भरा रहा है जो बच्चे जो है फॉर्म नहीं भरे हैं वो जो है ठीक है दम टॉप से दम तम टॉप से उड़ा दिए हैं जी जी दम टॉप से उड़ा दिए हैं ठीक है चिंता करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखिएगा एच डब्ल्यू के लिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है दम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं ठीक है दम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लाते हैं आलतू फालतू आल जाल ये सब नहीं ठीक है दो एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रहेगा और दम कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा आलतू फालतू यहाँ हम नहीं लाते हैं ठीक है कमे पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन क्या है एच के लिए दे रहे हैं फाइंड फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ठीक है एफ ऑफ टी है एफ ऑफ टी इक्वल टू पहला जो है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी बाई के है ठीक है वेयर 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 ठीक है वेन लिखिएगा ठीक है वेन टी जो है लाई कर रहा है जीरो से के, के बीच में जीरो से के, के बीच में और जब वन होगा जब टी जो है वें, वें, टी इज ग्रेटर देन के ठीक है पहला जो है क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है रौनक रमन कौन सा फॉर्म है सर

इसको हम एसडब्ल्यू दे रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहे हैं आप घर से बना के लाइएगा ठीक है गया से हैं अजय कुमार बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर से हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा प्लीज ठीक है तो आप जो है अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं नहीं मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल से हैं इसलिए मैके मैथ पढ़ाते हैं और मैकेनिकल का जो है सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो फिलहाल जो है अभी हम क्षमा चाहते हैं लेकिन फ्यूचर में जरूर हम कोशिश करेंगे तो देखिए इसको जो है किस तरह से अथी करना है तो सबसे पहले जो जनरल फार्मूला हमने बताया था यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का ठीक है इस तरह से हमने लिखा था लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी ठीक है जिसको हम निकालते हैं एफ ऑफ एस के फॉर्म में ठीक है लेप्लास का क्या काम है टी डोमेन को एस डोमेन में चेंज करना लैपलास का क्या काम है टी डोमेन को इस डोमेन में चेंज करना जिसका फार्मूला होता है फार्मूला क्या बताए थे जीरो से इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी इंटू ई का पावर माइनस एस टी डी टी थी, ठीक है ई का पावर माइनस एस टी डी टी ये जो है फार्मूला है ध्यान दीजिएगा माई डियर स्टूडेंट्स लैपलास जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होंगे और जो है ये दोनों ब्रांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल के लिए भी और ज्यादातर जो है कंपटीशन एग्जाम जब लिखने जाइएगा तो वहां जो है चार या पांच नंबर लैप्लास से आपको मिलेगा ही मिलेगा इसलिए ध्यान से समझिएगा ठीक है आपको लैप्लास जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला है ठीक है आपको जो है हमेशा जो है साथ में लेके चलेगा लैपलास का फार्मूला है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस यानी कि फंक्शन जो है डोमेन जो है एस में आएगा जिसका फॉर्मूला होता है जीरो से इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू का पावर माइनस एस टी डी टी तो यहाँ पर क्या है यहां पर जो है आपका बनेगा इस तरह से बनेगा जीरो से सबसे पहले जीरो से के पहला लिमिट क्या है जीरो से के ठीक है जीरो से के और यहाँ पर जो है एफ ऑफ टी एफ टी इंटू का पावर माइनस एस टी डी टी ठीक है प्लस पहला लिमिट क्या बनेगा यहाँ जीरो से के लिखा हुआ है तो जीरो से के एफ t, e का पावर माइनस एस टी डी प्लस के से इनिटी क्योंकि हमको तक जाना है, तो के से फिर से हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू का पावर माइनस एस टी डी टी ई का पावर माइनस एस टी डी टी ठीक है अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी के जगह पर क्या रखेंगे तो यहाँ पर जो है एफ ऑफ टी के जगह पर हम ये वाला रखेंगे टी बाई ठीक है यानी कि हम जो है क्वेश्चन को करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं ठीक है तो यहां पर जो है आपका हो जाएगा जीरो से K, F T के ऑफ़ जगह पर क्या रखेंगे तो टी बाई के यानी कि टी बाई के इंटू का पावर माइनस एस टी डी टी ई का पावर माइनस एस टी डी टी कोई डाउट है नहीं प्लस ठीक है प्लस के <coughs> K से इन्फिनिटी के से इन्फिनिटी यहाँ पर क्या रखेंगे वन रखेंगे तो वन हो जाएगा यानी कि e का पावर ठीक है? E है यही आपको सोल्व करना है ठीक है यही आपको सोल्व करना है और हम जो है कल इस क्वेश्चन को जो है करेंगे आपको हम एच डब्ल्यू के रूप में दे रहे हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाइएगा ठीक है तो यहाँ पर जो है यू इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का का अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन देख लीजिएगा वहां पर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का वीडियो देखिएगा ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का यहाँ पर जो है आपका जो है फॉर्मूला लग जाएगा और ये तो सिंपल है यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं लिमिट को बैठा सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट दिया हुआ है सब कीजिए आंसर जो है आ जाएगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं ठीक है आप जो है इसको बनाइएगा अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कल कल इसी क्वेश्चन के साथ जो हम शुरुआत करेंगे लाइव सेक्शन को ठीक है तो कल तो 25 दिसंबर है कल शायद लाइव आए या ना लाए जब अगला बार लाइव आएंगे तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है शुरुआत करेंगे आप जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा और हमें टेलीग्राम पर जो है हमें जो है भेज सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी भेज सकते हैं ठीक है व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन को हमें बना कर, कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं बार बार हम नंबर आपको दे रहे हैं ठीक है व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट कीजिएगा बेरासी तीन सौ छप्पन पचहत्तर दो सो पचपन ठीक है दो सौ पचपन ठीक है यहाँ पर जो है क्लियर से लिख दे रहे हैं बेरासी तीन सौ छप्पन पचहत्तर दो सौ पचपन ये व्हाट्सअप नंबर पर जो है हमें जो है क्वेश्चन को बनाकर हमें जो है विदा कीजिएगा इस फोटो लेकर ठीक है फोटो लेकर हमें विदा कीजिएगा वन कैसे आया यहाँ पर वन दिया हुआ है देखिए वन होगा यहाँ पर वन दिया हुआ है ना पहले जो है टी बाई के दिया था लिमिट था जीरो से के उसके बाद वन दिया है जो है ग्रेटर देन होगा केस है तो लास्ट हमें लिमिट इन्फिनिटी तो जाना है इसलिए केस इन्फिनेटिव होगा यहाँ पर वन था ठीक है तो हमें जल्दी से जल्दी जो है आप भेजिएगा हमको इसको बनाकर नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को हम अगले लाइव क्लास में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे ठीक है तो सभी स्टूडेंट्स को हम फिर से जो है बता देते हैं बैकलॉग का फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का फॉर्म जो है भरा रहा है कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है अगर आप दूर में हैं कॉलेज आपका दूर है तो कॉलेज में फोन करके आप जो है फॉर्म को भरवा लीजिएगा अगर आप नजदीक हैं तो कॉलेज आकर फॉर्म को भरवा लीजिएगा उसके बाद जो है तीन जनवरी तक जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का विदाउट एनी फाइन अगर आप तीन जनवरी के बाद फरते हैं तो फाइन फाइन लगेगा ठीक है उसके बाद जो है आपको जनवरी में जो है बैकलॉग पेपर का एग्जाम है तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं सभी स्टूडेंट्स को हम कहते हैं गुड नाइट और जो है स्वीट ड्रीम आप जो है अच्छे से सोइए अच्छे से खाइए ठंड में जो है बच के रहिए कोरोना में जो है बच के रहिए आप जो है बढ़िया से पढ़िए देश का नाम रोशन कीजिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं जय हिंद बंदे मातरम